गाजीपुर के प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर जनपद में नव नियुक्त सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सरकार द्वारा कायाकल्प योजना के तहत इन स्कूलों को हाईटेक किया जा रहा है तथा अब तक प्रदेश में लगभग 50,000 से अधिक विद्यालयों को कायाकल्प योजना से आच्छादित किया जा चुका है और यह कार्य आगे भी जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 350 कस्तूरबा बालिका विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत युवा मस्तिष्क है एवं राष्ट्र के लिए शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने सभी नवनियुक्त सहायक अध्यापकों से अनुरोध किया कि आप लोगों की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करें, जिससे बच्चों के भविष्य की नींव मजबूत हो सके। बता दें कि जनपद में कुल 960 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इसमें जिला पंचायत सभागार में 48, स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरा बाजार में 362, सैदपुर में 352 एवं मोहम्मदाबाद में 198 नव नियुक्त सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। मंत्री ने सभी नव नियुक्त सहायक अध्यापकों को बेसिक शिक्षा परिवार में शामिल होने पर बधाई दी। इसके पूर्व प्रभारी मंत्री ने NIC गाजीपुर में मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नव नियुक्त सहायक अध्यापकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, विधायक जमानिया सुनीता सिंह, विधायक सदर संगीता बलवंत, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, उप जिलाधिकारी सदर, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इसके अलावा विधायक अलका राय ने भी मोहम्मदाबाद में नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटा है।